नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ। गोहलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बधिया मोहल्ला में आधी रात को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गणेश पंडाल में बैठे हुए एक युवक पर दनादन फायरिंग कर दी, जिसमें युवक घायल हो गया, जिसे तत्कालीन उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग से मौके पर अफरा दफरी और भगदड़ की स्थिति मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी। टेंट हाउस के बाजू में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां बीती रात्रि ग्रीन सिटी निवासी रविंद्र गुप्ता 24 वर्षीय का पंडाल में बैठा हुआ था। रात्रि 2:30 से 3 बजे के आसपास 3 मोटरसाइकिलों ने 6 बदमाश पहुंचे, जिसमें से 2 युवकों ने फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली रविंद्र गुप्ता को लग गई, जहां गोलीकांड की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश नकाबपोश थे, जिसके चलते अब तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और गोली किसने और किन कारणों से चलाई है उसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है, जहां पुलिस छानबीन करने में जुट गई है।